वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामदेव और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है माय हेल्थी इंडिया। और आज के इस वीडियो में यहां पर मैं आपसे बात करूंगा कि ठंड की मौसम जैसे ही शुरुआत हो गई है और अगर आप ठंड की मौसम में अपना वजन कम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि ठंड की मौसम में भी ऐसे कुछ उपाय होते हैं जिसकी मदद से आप अपना वजन जो है वो ठंड की मौसम में भी कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 उपाय बताऊंगा जिनकी मदद से अगर आप उन टिप्स को फॉलो करेंगे तो ठंड की मौसम में भी आप जो अपना वजन है वो कम कर सकते हैं। वैसे तो ठंड की मौसम में हमारी जो पाचन शक्ति होती है वो सक्रिय हो जाती है, हमारी डाइजेशन सिस्टम जो होती है वो इतनी एक्टिव हो जाती है कि आप कुछ भी पौष्टिक खाते हैं या फिर कुछ भी खाते हैं वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, और इजीली डाइजेस्ट होने के कारण ही हमारा जो वजन है वो बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे कुछ उपाय जो हैं वो फॉलो करने होंगे जिसकी मदद से आप अपना वजन भी कम कर सकते हैं। ठंड की मौसम में खाना खाने का बहुत ही मजा आता है, चटपटा खा लीजिए, वो खा लीजिए, बहुत ही मजा आता है। लेकिन इस मजे के साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी सेहत जो है वो अच्छी रहे। तो सेहत के लिए कुछ आपको उपाय करना है तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं पहले उपाय की। तो वो पहला उपाय कौन सा है जिसकी मदद से आप अपना वजन कम कर सकते हैं? तो यहाँ पर सबसे पहली जो टिप्स है वो है खान पान। तो सर्दियों की सीजन में सेहत बनाने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो वजन है वो भी कम हो, तो उसके लिए आपको चटपटा या फिर फैटी फूड्स जो होते हैं वो नहीं खाने हैं, बल्कि इसके बजाय आपको फल खाने हैं, सब्जियां खाने हैं या फिर फाइबर की जो मात्रा है वो ज़्यादा लेनी है। तो इससे आपकी सेहत भी बनेगी, इसके साथ साथ आपका जो वजन है तो वो भी इससे कम होगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें टिप्स नंबर 2 की, तो टिप्स नंबर 2 है गर्म पेय पदार्थ। तो सर्दियों की सीजन में आपको गर्म कॉफ़ी या फिर जो चाय है वो बहुत ही अच्छी लगती है, इसके साथ साथ वो शरीर को गर्माहट भी देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दूध और शक्कर की वजह से आपका वजन भी बढ़ सकता है जो सेहत पे नुकसान कर सकता है? तो आप गर्म कॉफ़ी या फिर चाय की बजाय आप ग्रीन टी पी सकते हैं या फिर काली चाय भी पी सकते हैं। इसके अलावा सुबह में आप नींबू वाला गर्म पानी पी सकते हैं या फिर उसमें शहद भी डाल सकते हैं या फिर दालचीनी वाला गर्म पानी पी सकते हैं, जिससे आपकी सेहत भी बनेगी, इसके साथ साथ आपका जो वेट है तो वो भी इससे लॉस होगा। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें टिप्स नंबर 3 की, तो टिप्स नंबर 3 है व्यायाम। सुबह में सर्दियों की सीजन में रजाई में सोने का मजा ही बहुत अलग आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि रजाई में सोने के बजाय अगर आप व्यायाम करते हैं सुबह जल्दी उठकर, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। सुबह में जल्दी उठकर व्यायाम करने से आपका वेट भी लॉस होगा, इसके साथ साथ आपके शरीर में गर्माहट भी बनी रहती है। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें टिप्स नंबर 4 की, तो टिप्स नंबर 4 है आपको ठंड की मौसम में शराब का सेवन नहीं करना चाहिए या फिर कंट्रोल में करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ठंड में गर्माहट पाने के लिए शराब का सेवन करते हैं, लेकिन शराब जो है वो आपका वजन बढ़ा सकता है। तो ठंड की मौसम में आपको शराब का जो सेवन है वो कंट्रोल में करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, तो इससे हेल्प मिलेगी आपके वजन को कम करने में। इसके अलावा अगर यहाँ पर बात करें टिप्स नंबर 5 की, तो टिप्स नंबर 5 है आपको ठंड की मौसम में हमेशा सक्रिय रहना है। अगर आप पूरा दिन बैठकर खाना खाते हैं या फिर बैठकर ही काम करते हैं तो इससे आपका मोटापा भी बढ़ सकता है और सक्रियशीलता नहीं आती है। लेकिन अगर आप पूरा दिन सक्रिय रहते हैं तो इसमें क्रियाशीलता बढ़ती है और फैट भी जमा नहीं होता है। तो अगर आप ठंड की मौसम में अपना वेट कम करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये जो 5 नंबर की टिप्स है वो सबसे जरूरी है, इसमें आपको पूरे दिन सक्रिय रहना चाहिए। तो सर्दियों की सीजन में आपको इन 5 टिप्स को फॉलो करना है, सही खान पान चुनना है, सही गर्म पेय पदार्थ चुनना है, व्यायाम करना है, शराब को ना कहना है, इसके अलावा पूरा दिन सक्रिय रहना है। तो अगर आप इन 5 टिप्स को फॉलो करेंगे तो मुझे यहाँ पर उम्मीद है कि आप ठंड की मौसम में भी अपना जो वेट है उसे कम कर सकते हैं। तो आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं कि अगर आप इस ठंड की मौसम में अपना वजन भी कम करना चाहते हैं तो आपको इन 5 टिप्स में से सबसे अच्छी टिप्स कौन सी लगी जिसको आप फॉलो करने वाले हैं। अगर आपको टिप्स अच्छी लगी है तो नीचे इस वीडियो के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है, इसके साथ साथ कमेंट भी जरूर करिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको एक अगले वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्थी।